कि आप क्या करो, आप एक स्टूडेंट के फॉर्म में आप देखो, आप क्या करते हैं ज्यादातर जो बच्चे हैं, आप ये मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं। हमने देखा है साइकोलॉजिकली और मेंटली बच्चे जो है थोड़े से इस फील्ड में, इस एज में क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। मैं इसी को भली बात ही समझ रहा हूं, और उनका माइंड जो होता है, उनकी वो दोस्त मैं नहीं बता रहा हूं, उनका माइंड होता है चंचल होता है थोड़ा, है ना। वो ये भी सोचते हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक हर डायरेक्शन को वो कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी में क्या होता है, बच्चा जो है डेविएट हो जाता है, अपने लाइन से डेविएट हो जाता है। आपने बोला कि ड्रग इंस्पेक्टर हमारा टारगेट है, ड्रग इंस्पेक्टर आप कर सकते हो, आपको मौका मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया इस फील्ड का, अगर एक आपके अगर जॉब और कैरियर के दृष्टि से अगर आप देखते हो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद निकलता है। नहीं, आपको मौका जरूर मिलेगा, मेरे कैरियर में आया है, लेकिन हो सकता है हमारे पास भी कुछ अदर चीजें होगा। हमारा ये इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कुछ और अदर वो है ना। लेकिन आपको मिलेगा जरूर, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप ड्रग इंस्पेक्टर भर सको, फिल कर सको। लेकिन होता क्या है कि हम उस लेवल की हमारी तैयारी नहीं होती, उस लेवल की हमारी तैयारी नहीं होती। तो मैंने जो बताया बेसिक चीजें, कि सबसे पहले आप ये मान लो, आप अपने आप को इस वे में देखो, आप स्टूडेंट हो। जब आप स्टूडेंट बन जाओगे ना, एक्चुअल स्टूडेंट बन जाओगे, तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब एक एक्चुअल स्टूडेंट का क्या कैरेक्टर होता है, क्या रोल होता है, वो आप बखूबी जानते हो। सबसे पहले तो आप में एक सीखने की ललक होनी चाहिए, और सीखने की ललक एक डिसिप्लिन से आता है। आप बिना डिसिप्लिन का लर्निंग नहीं हो सकता। तो फर्स्ट चैप्टर ये है आपके लिए कि यू हैव टू जस्ट टेकिंग डिसिप्लिन, है ना। आपको एक डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन से क्या होगा, आप में क्या होगा, सारे लोग आपका सपोर्ट करेंगे, टीचर देखेंगे कि हाँ ये अच्छा बच्चा है। अगर जैसे मैंने देखा है कई एक बार होता है कि क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं बच्चे, क्लास में भी पूछ रहे हैं, या मतलब एज ए ऑर्डर वे में होता है, मैम या सर मेरे को ये बता दो, है ना। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो एक्चुअल में सीखने के लिए नहीं, टीचर्स को टेस्ट करने के लिए उसके क्वेश्चंस हैं। ये नहीं होना चाहिए, है ना। आपके अगर सीखने का अगर मनोकामना होगा, तो उसके जो बॉडी लैंग्वेज होगा, क्वेश्चनिंग होगा, वो अलग होगा, है ना। आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है या कुछ और चीजें बनना है, तो आपको एक डेप्थ में नॉलेज चाहिए। नॉलेज जो आपका होना चाहिए, डीपली होना चाहिए, हर एक माइन्यूट चीजों को समझते हुए, हर एक कंसेप्ट को आगे जो है डील करते हुए आपको पकड़ना पड़ेगा। और 4 साल का टाइम बहुत होता है। ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल दोनों को मीट करता है। टेक्निकल, है ना, इट मीन्स कि AICTE हमें एप्लीकेशन देती है, आपको पता होगा, है ना। फार्मेसी को दोनों बॉडी जो है गवर्निंग बॉडी, एक प्रोफेशनल जो कि PCI है ना, आप मेडिकल भी बोल सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और टेक्निकल AICTE, है ना, ऑल इंडिया टेक्निकल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी देती है। इट मीन्स कि आपने ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जो टेक्निकल भी है और प्रोफेशनल भी है। हमें तो इससे अच्छा अभी तक नहीं लग रहा है, इंजीनियरिंग भी है तो आप समझ सकते हैं प्योर टेक्निकल, है ना, प्योर क्या है, टेक्निकल है। लेकिन ये जो फील्ड है वो काफी वर्सटाइल है, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ रहना है। आगे वन बाय वन ईयर्स आते जाएंगे, एग्जामिनेशन आपके आएंगे, सेमेस्टर वाइज है आपके, है ना, हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन है, उससे जो है सेमेस्टर वाइज, अगर आप ईच एंड एवरी सेमेस्टर को ही आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, अच्छे नॉलेज के साथ, किसी भी पर्टिकुलरली कोई भी आगे एग्जाम की स्पेशली तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सेमेस्टर वाइज सिलेबस को, ये सिलेबस जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, वैसे वैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है पूरा पूरा का पूरा आपका एक समरी एज उसमें होल सिलेबस आ जाएगा, है ना। और उसी उसी के अकॉर्डिंग कोई भी यूनिवर्सिटी हो,
डिफरेंट जगह पे, कोई भी स्टेट कौन सी हो, सारे लोग जो है पीसीआई को फॉलो करते हैं और वो कम्प्लीटली होगा कि आप सारे सेमेस्टर को आप जब क्लियर कर लेंगे, क्लियर होगा, है ना। मैं चाहता हूं कि आपकी अटेंडेंस जो है अच्छी रहे, है ना। अगर आपका अटेंडेंस नहीं रहेगा तो हम कैसे बताएंगे। हम अपने एक्सपीरियंस, हमारे टीचर्स जो है एक्सपीरियंस किसको साझा करेंगे, है ना। तो जो आपके कॉन्टेक्ट में है जो बच्चे, और हम लोग भी कोशिश करते हैं, है ना, सबसे पहले तो अटेंडेंस इज मस्ट। जब आप रहेंगे सामने तब तो हम आपको बता पाएंगे, है ना। और ये जितना आसानी, ये जो सोच रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो ऑडियंस है और आप लोग जो आए हैं, ये बता रही है कि फार्मेसी को लोग बहुत इजी समझ रहे हैं। दिस इज द एमबीबीएस लेवल ऑफ कोर्स। आपने देखा होगा फार्माकोलॉजी, उसमें भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है आपको, है ना। लेकिन जब आप, अगर मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टफ तो है लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है। आप अगर पढ़ाई अच्छे से करते हैं, सब्जेक्ट्स को अच्छे से आप कवरेज करते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। और बाकी आपके साथ हमारे टीचर्स हैं, मैं हूं, बाकी और किसी तरीके की सहायता, किसी की किसी तरह की जरूरत पड़ेगी, हम लोग हैं, साथ में चलेंगे, है ना। लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट, और इस चीज में मैं बहुत सख्त डिसिप्लिन के मामले में, है ना, अगर वो चीज मुझे दिखेगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं ताकि आप मेंटली जो प्रिपेयर हो ले। मुझे लगेगा कि इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी हो रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं रेस्टिकेट तक कर सकता हूं, और एंड आई हैव द पावर, है ना। बिना किसी वो का, बिना किसी से पूछे, मैं, अगर मेरे पास कंप्लेन आया कि ऐसा है कि ये बच्चा जो है कुछ ज्यादा वो कर रहा है ना, इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में पाया गया, तो ये भी हो सकता है, और दो चार दिन के लिए हो सकता है कि आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो जाए। और मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूं, इसको पॉजिटिव लीजिए ना, इसको निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। निगेटिव इन द सेंस कि अच्छा ऐसा कर देंगे क्या, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचना है कि अब हम उस तरीके की एक्टिविटी करेंगे क्यों, आप पढ़ने के लिए आए ना, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, है ना। बाकी हमने बताया कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता देना चाह रहा हूं, आप शायद बिहार के नंबर वन कॉलेज में हो, अभी आपको एहसास नहीं है तो आप अभी नए हो, धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा। मैंने देखा है कहीं तो क्लासेस नहीं चलती है, शायद आपने भी इस पे वर्क किया होगा, उनको क्लास से मतलब ही नहीं है, बस जो कागजी कार्रवाई होती है वो कर दिए। हमारे यहां देखिए एम फॉर्म, और अगर कुछ लोगों ने जो टीचर्स रखे भी हैं, मुश्किल से वो नॉन फार्मेसी है, मैंने तो देखा है, नॉन फार्मेसी मतलब बीएससी है, एमएससी वाले कुछ लोग हैं, कुछ जूलॉजी के उठा लिए हैं, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको भी आना पड़ेगा।